नमस्ते, मैं रजत हूं और आप देख रहे हैं thelallantop.com। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह के घर से 300 बम मिले हैं। हम दावे की भाषा में बिना कोई बदलाव किए आपको ज्यों का त्यों दावा बता रहे हैं। दावा है, बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर से मिले 300 बम, पाकिस्तान से ज्यादा आतंकवादी बीजेपी पार्टी में है। फेसबुक पर एक पेज है, आई सपोर्ट प्रसून वाजपेयी। यहाँ 5 सितंबर को अर्जुन सिंह से जुड़ा एक दावा किया गया। इस दावे को खबर लिखे जाने तक 17,000 यूजर शेयर कर चुके हैं। करीब 2,500 से ज्यादा लोगों ने इस पोस्ट पर रिएक्ट किया है। इसके अलावा सुरेश पालीवाल जैसे कई और यूजर्स भी हैं जिन्होंने इस दावे को कॉपी पेस्ट किया है। इस पोस्ट को भी, यानी सुरेश पालीवाल के पोस्ट को भी 66 से ज्यादा लोग शेयर कर चुके हैं। दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह से जुड़ी खबरें तलाशनी शुरू की। बीते 4 महीनों में 2 मौके ऐसे आए हैं जब अर्जुन सिंह के बारे में ज्यादा खबरें बनी हैं। पहली बार खबर बनी 25 जुलाई 2019 को और दूसरी बार 1 सितंबर 2019 को। 25 जुलाई को अर्जुन सिंह के घर मजदूर भवन पर कुछ अज्ञात लोगों ने बम से हमला किया था, जबकि 1 सितंबर को अर्जुन सिंह ने बैरकपुर लोकसभा के कांकीनारा इलाके में समर्थकों के साथ रैली निकाली थी। यहां पर दूसरा पक्ष यानी तृणमूल कांग्रेस के साथ झड़प की खबरें सामने आई। बाद में पुलिस ने कार्रवाई की। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक पुलिस ने अर्जुन सिंह पर सुनियोजित तरीके से रैली निकालने और हिंसा करने का आरोप लगाया है। लगभग यही आरोप अर्जुन सिंह ने भी लगाया है पुलिस पर। इस झड़प में अर्जुन सिंह के सिर पर चोट लगी थी। 1 सितंबर को हुई हिंसा पर जानकारी देने के लिए पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी ADGP ज्ञानवंत सिंह ने 2 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ADGP ने कहा कि अर्जुन सिंह को पुलिस की कार्रवाई में चोट नहीं लगी है, उन्हें सर के बल गिरने की वजह से चोट लगी होगी। ADGP के मुताबिक बैरकपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर ने अर्जुन सिंह को बम और पत्थर ना फेंकने के लिए कहा था। अर्जुन सिंह को सिर के बल गिरने से चोट लगी होगी। भाटपारा और जगतदल के छोटे से इलाके में बीते 2 महीनों के अंदर 150 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 50 हथियार और 300 से ज्यादा बम बरामद किए गए हैं। यानी पुलिस के बयान के बाद ये खबरें उड़ने लगी थी। ये पुलिस का बयान था कि उस इलाके यानी भाटपारा और जगतदल से हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने ये नहीं कहा कि अर्जुन सिंह के घर से 300 बम बरामद हुए हैं। हमने इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए इंडिया टुडे की पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ मनोज्ञा लोईवाल से बात की। उन्होंने भी यही जानकारी दी। बकौल मनोज्ञा, पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा जारी है, उसी कड़ी की ये घटना थी। पुलिस ने कार्रवाई की लेकिन बम की जब्ती में कहीं भी सीधे तौर पर अर्जुन सिंह का नाम नहीं आया है। तो हमारी पड़ताल में नतीजा क्या निकला? हमारी पड़ताल में नतीजा निकला कि भाजपा के पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह के घर से 300 बम मिलने का दावा भ्रामक है। पश्चिम बंगाल के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 1 सितंबर 2019 को हिंसा हुई थी, उसके बाद की ये खबरें थी। लेकिन जो बम की बरामदगी हुई है वो 2 महीने के अंदर ये बरामदगी हुई है। करीब 300 बम मिलने की पुष्टि वो पिछले 2 महीने की कार्रवाई के अंदर हुई है। अगर आप तक भी कोई ऐसा दावा पहुंचे जिसकी सच्चाई पर आपको संदेह हो, शक हो, तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है padtalmail@gmail.com। हम उस दावे की पड़ताल करेंगे और आप तक उस दावे की सच्चाई पहुंचाएंगे। शुक्रिया।